दिनेश कार्तिक ने दिया हार्दिक पांड्या के बारे में बहुत बड़ा बयान और बोले हार्दिक पांड्या के लिए कि हार्दिक पांड्या बनना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि मात्र एक सप्ते के अंदर ही दो बहुत बड़े झटके और तीसरा झटका यह है कि चैंपियन ट्रॉफी से ड्रॉप करने की खबर आ रही है हार्दिक पांड्या को। लेकिन ऐसे में प्यार जताने वाली एकमात्र अनन्या पांडे रहीं, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर हार्दिक पांड्या को फॉलो किया है और हार्दिक पांड्या ने भी फॉलो किया है। ऐसा लगता है धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे फॉलो ही तो किया है अभी, कुछ और ज़्यादा तो हुआ नहीं है। लेकिन ये बीच में रियान पराग कहाँ से आ जाता है इस बात का पता नहीं पड़ पा रहा है। और एक और बात बता दूँ, आज गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में कहा है, बोल लिया कि ये दोनों 2027 के वर्ल्ड कप तक खेलेंगे। और अगली बात बता और रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के बारे में कहा है गौतम गंभीर ने कि जब ये खिलाड़ी प्रदर्शन किया इन्होंने आगे तो आगे खेलेंगे, नहीं तो टीम से ड्रॉप किए जाएंगे और नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। संजू सैमसन के बारे में ही बोले कि संजू सैमसन खेलता तो है लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं और उनको मौका मिलने का इंतजार करना होगा। और भुवनेश्वर कुमार की वापसी हो सकती है, अब लग रहा है कि जैसे भुवनेश्वर कुमार की वापसी हो सकती है जो कि रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं हो पाई। और भारतीय टीम के बॉलिंग कोच मोनी मोरकल को चुना गया है, लेकिन इस बात पर सुनील गावस्कर ने बहुत बड़ा बयान दिया है और बोले हैं कि गौतम गंभीर को अपनी तानाशाही बंद करनी चाहिए और भारत का बॉलिंग कोच जहीर खान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।